अब दोस्ती लगभग ख़त्म हो गई है, बिकॉज या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के हैं या दोनों के अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हैं, एम्बिशन के हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों में अब मित्रता बची हुई है, बल्कि वो मित्रता एनमिटी में बदल चुकी है। देखो, संघर्ष के दिनों में इनकी अच्छी खासी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की तरह मित्रता थी, लेकिन अब जो है ये टॉलस्टॉय के हीरो हो गए हैं और दोनों में लगभग जो है काफ़ी रंजिश है और काफ़ी जो है खुन्नस है और मनमुटाव भी है, मनभेद भी है और मित्रता का कोई लक्षण नहीं है। वो संघर्ष के दिन थे तो दोनों एक थे और एक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, और अब जो है सत्ता का बंदरबांट है और कुर्सी की लड़ाई है, और कुर्सी की लड़ाई में जो है कोई मित्रता, कोई जो है क्या बोलते हैं ब्रदरहुड, ऐसा नहीं होता, इसलिए इन दोनों के बीच में भी ज़्यादा मतलब मित्रता है नहीं और कोई आसार भी नहीं है फिलहाल इन नियर फ्यूचर। देखिए, मीडिया के माध्यम से जितना हम जान पा रहे हैं, अब तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि उनकी जोड़ी बरकरार है। भले वो लोग आपस में दिखाते हैं कि हमारी जोड़ी बरकरार है, लेकिन जैसा मीडिया में खबर आ रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। पहले तो इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपस में जय वीरू की जोड़ी थी, तभी तो एक को मुख्यमंत्री आसानी से बनने दिए, नहीं तो सिंधे जी भी बन सकते थे मुख्यमंत्री, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। खटास तो 2.5 साल के कुछ पहले से ही शुरू हो गई थी, सुगबुगाहट तो दिख रही थी मीडिया के माध्यम से, है ना, लेकिन अब 2.5 साल के बाद में वो जो है उभर के आ गया है, विवाद जो है उभर के आ गया है। जोड़ी बरकरार है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो सुन रहे हैं, जो चैनलों में रोज़ तो न्यूज़ में आ रहा है कि दोनों में एंटी हो गए ऐसा लग रहा है। तो ये चुनाव के बाद से, शुरू में तो थोड़ा एकता दिखी थी, लेकिन बाद में ये जो मेन पद की लड़ाई है ऐसा लगता है, और पद की लड़ाई के कारण जो है वो दोनों में खटास है। पहले लोग बोलते थे, पहले हम देखते भी थे उसमें, मीडिया में देखते थे कि दोनों आपस में साथ बैठ के आना जाना, सब कुछ यूनिटी बहुत तगड़ी थी, अब वो चीज़ नहीं रही है ऐसा लगा। पोस्ट पद कुर्सी की दौड़ है, कुर्सी के पीछे दुनिया पड़ी है, इनको लगता है कि कुर्सी के कारण ही है। जोड़ी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजंस हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती है और होनी भी चाहिए, तो उसके कारण से हमको जनरल पब्लिक को दूरियां नज़र आती है। लेकिन जहां तक मेरा सोच है और समझ है कि एज ए फ्रेंड दोनों, जय वीरू पहले भी थे आज भी हैं, बाबा साहब गाड़ी चलाते थे तो भूपेश भैया उनके बाजू में बैठे हुए होते थे, तो वो आज भी मेरे को लगता है स्थिति कहीं ना कहीं उनके दोनों की दिल तो मिले हुए हैं, लेकिन मे भी पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हो सकती है जिसके वजह से पब्लिक को ये महसूस हो रहा हो कि दोनों में दूरियां काफ़ी बढ़ गई है, जबकि मुझे ऐसा एज सच नहीं लगता है कि दूरियां बढ़ी हुई है। मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप बरकरार है, और आज हो सकता है कि दोनों बाहर हैं और दोनों, मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में है, तो हो सकता है दोनों साथ साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे।